हमारे जो व्यूवर हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया था कि संजीत भाई से ये पूछना कि संजीत भाई के कितने बेटे हैं। भाई मैं अनमैरिड हूँ। अरे कहने का मतलब ये है कि आप हर बार जब भी लाइव आते हो तो कहते हो भाई कविता आपकी जो पोइट्री होती है वो अच्छा, हमारे बेटे होते हैं। तो वही पूछ रहा था मैं आपके टोटल कितने बेटे हो गए भाई साहब। भाई पता नहीं 300 से भी प्लस हो चुके हैं शायद। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कितनी वीडियोज हैं। उसके अलावा कई पोइट्री ऐसी जो आधी आधी लिखी है, बेटे पैदा ही नहीं हुए, डायरी में बंद है वो बेटे। अच्छा, बेटे डायरी में बंद है। कहिया कि मन लागे भ्रूण हत्या नहीं हो जाए और डायरी में ही नहीं बंद रहे। भाई साहब एक काम जरूर करना, भ्रूण हत्या नहीं करनी है उन सबको, बस ये करना है कि उनको डिलीवर जरूर करना है। पक्का पक्का, जैसा भी मुद्दा लगेगा डायरी डिलीवर कर दे भाई साहब। तो अब जो मुद्दे आ रहे ना, मैंने बताया था कि पहले आप सैड लिखते थे, उसके बाद आप थोड़े से रोमांटिक, और अब जो जैसे स्टेज पे आएंगे या फिर आ रहे हैं, अब आप सोशल मुद्दों पे बोलने लगे हैं। मतलब बहुत ज़रूरी है। देखो कवि का काम क्या होता है, हालांकि मैं अपने आप को कवि नहीं मानता, हम इतने अच्छे वक्ता नहीं है, बीच में पता नहीं कितनी बार फंबल होता है बोलते टाइम। कवि का हमेशा काम होता है, राइटर का हमेशा काम होता है, जो भी सरकार है उसके विपरीत लिखना। बिल्कुल। ताकि सरकार को यह आभास होता रहे कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कवि को बोलने ही नहीं दिया जाता। अगर मैंने एक पोइट्री लिख दी तो पता नहीं 5 केस मेरे खिलाफ मिलेंगे। हाँ, ये नहीं पता किस चीज के 15 फोन आ जाएंगे आपके पास। हाँ, भाई साहब ये है क्योंकि फैन फॉलोइंग है। लेकिन हमेशा कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब जब सत्ता डगमगाएगी, जब जब सत्ता गिरेगी तब तक कवि उस सत्ता को संभालेगा, उन राजनेताओं को संभालेगा, उस देश को संभालेगा। लेकिन आजकल कवि किसे हो गए, वो एक अपना काम होता है ना पानी मारना, अच्छा वह चीज हो गई कवि आजकल। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज आप समाज के उन मुद्दों को, CAA है, NRC है, JNU है, आपने देखा होगा बहुत कम कवि बोल रहे हैं इनके ऊपर। हाँ, मतलब मैं देखता हूँ इनके ऊपर तो कोई बोलता ही नहीं है, मतलब बहुत कम। मैं भी नहीं बोला। देखो मैं आपके सामने उदाहरण हूँ क्योंकि मुझे खुद डर लगता है। मेरे माँ बाप मेरे को खुद कहते हैं कि भाई फालतू नहीं कविता करनी, अपना करने घर आए जी, अपना कोई जरूरत नहीं है, खेती कर ले, मजदूरी कर ले, दिहाड़ी कर ले, जो तना करना कर, अपना बालकन पढ़ा हुआ पढ़ा ले, कोई जरूरत नहीं है किसी का पंगा लेने की। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक आग तो है, चाहे मैं पॉजिटिव बोलूं चाहे मैं नेगेटिव बोलूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। लेकिन बोलोगे कब? अब तो शायद ना बोलूं, क्योंकि जिस हिसाब के केस मैंने पीछे देखे हैं, जिस हिसाब की मैंने बातें देखी हैं, सुनी हैं, यार धमकी आओ उन लोगों की, मैं तो कह दिया करूं भाई ठीक है रे, सॉरी भाई साहब, आप पता नहीं लोग आपको प्यार करने लगे हैं, लोग के साथ साथ आपको नेचर धुआं सब कुछ प्यार करने लगा भाई साहब, फैन हो गए आप। ना, 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 मेरे भाई साहब कुछ नहीं है यार, आपकी पोइट्री ऐसी आई है, पोइट्रीज ने और फिर गाने ने और सब कुछ आपके फैन हो गए। वीडियो में देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या है भाई, हम कह सकते हैं संजीत भाई ने धुम्मा ठा रखा है। तो संजीत भाई कब शादी वगैरह कब कर रहे हो? अभी कोई प्लान नहीं है मेरे भाई। है कोई करवा दे वो भी भाई साहब आप मेरे से पूछ रहे हो? ना ना ना, फेरी पे क्यों पूछ रहे भाई, अभी कोई प्लान नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अच्छा ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो गया। तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया, इसको डिलीट कर देंगे। ना ना ला ले। तो संजीत भाई फिर आपने यूट्यूब पे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1,44,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं, और आपका पेज तो हैक हो ही गया है, उसके साथ टिकटॉक के ऊपर भी आपके 1,50,000 सब्सक्राइबर हैं। हाँ, तो पेज हैक हुआ तो मेरे को टिकटॉक मिला। हाँ, टिकटॉक पे ऊपर आपके 1,50,000 फॉलोवर हैं, ठीक है, और फॉलोवर आपकी लैंग्वेज में देखा जाए तो फॉलोवर नहीं है, वो आपके भाई हैं। भाई हैं, हाँ, वो आपके भाई हैं। हाँ। तो अब आपने इतना अचीव कर लिया, अब और क्या अचीव करना चाहते हो? कुछ नहीं भाई, बस एक ये चीज़ है, जब भी डेथ हो मरे उसके बाद अगर कोई कविता चलाए तो एक बार सुन के जरूर देखें भाई की कविता थी। और जब जब हरियाणा का जिक्र हो, कोई ये ना कहे कि हरियाणा में कविता ही नहीं है। मांगेराम धनपत लक्ष्मी का टाइम थी, आज पूजू मऊ न पढ़ू हूँ मऊ न सीखू हूँ मऊन तय। लेकिन उसके बाद कोई ये ना कहे कि हरियाणा सिर्फ फुहड़ता के लिए जाना जाता है। हमेशा मेरे से एक सवाल रहता था, मैं पंजाबी बेल्ट में रहा हूँ, सिरसा में पढ़ा हूँ, सिरसा में राजस्थानी बच्चे भी हैं, हरियाणा के बहुत कम है, पंजाबी बेल्ट के ज़्यादा, क्योंकि रानिया डबवाली बठिंडा वो एरिया आ गया सिरसा। तो हमेशा एक मेरे को शब्द सुनने को मिलता था बांगरू, अच्छा, या लठमार भी, तुम्हारे तो प्यार की बात होती नहीं। तो मेरा मोटो गाना भी उसका मकसद था कि भाई देख प्यार होता है और बड़ा अच्छा होता है, आप मोटो सुन के देखना। प्री वेडिंग सूट हो सकता है उसके ऊपर हम पंजाबी यूज़ करते हैं, मैं पंजाबी की कोई तोहिन नहीं कर रहा, पंजाबी मेरी बहुत फेवरेट लैंग्वेज है। शिव कुमार बटालवी, सतेंद्र सरताज, गुरदास मान, हरभजन मान, बब्बू मान, मतलब बहुतों को मैं सुनता हूँ, पंजाबी मेरी फेवरेट है, बहुतों को मैंने पढ़ा है। लेकिन अपनी बोली अपनी वो है, अगर अपनी माँ है तो वह चाची है, हिंदी सारे दादी है, सीधी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीज है, कल को कोई ये ना कहे कि हरियाणा के अंदर कंटेंट नहीं है। और एक और मैं बता दूं, बहुत जल्द बुक भी लॉन्च हो रही है मेरी,
अच्छा कौन सी बुक? बहुत पोइट्री की बुक लॉन्च हो रही है और उसके बाद नोवेल हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना बहुत जल्द। अच्छा पोइट्री भी आपकी जितनी पोइट्री आपने लिखी है वो सारी पीडीएफ बना करके आप मतलब? हाँ बुक लॉन्च हो रही है, नई पोइट्री मिलेंगी उसके अंदर आपको, लगभग नई पोइट्री मिलेंगी, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। राजहंस आज से यदि मैं ये कहूँ कि आज से 3 महीने पहले हमारी जब मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तो उस टाइम भी आपने जिक्र किया था कि हमने आजकल नोवेल लिखना स्टार्ट किया, देखते हैं नोवेल कहाँ तक जाता है और कैसी। वो वहीं पड़ा है, वो वहीं पड़ा है। हाँ, भाई साहब उसकी भरण क्या तो नहीं हो जाएगी। पोइट्री हमेशा मूड पे डिपेंड करती है, राइटिंग हमेशा मूड पे डिपेंड करती है, और हमेशा हर एक आर्टिस्ट, देखो ये बात कहने की नहीं है कि उसका कैसा मूड है, किस माहौल में वो रहता है, जो उसको आसपास का माहौल मिलता है। तो मैं देखो बच्चों को पढ़ा के आते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हो गए, उसके बाद भी रात को बैठ कर लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, ना सिर पीटने लग जाऊँ कि यार आइडियाज़ क्यों नहीं मिल रही, फिर सो जाऊँ आराम तक किताब पढ़ के, फिर एकदम आइडिया हुआ। तो कई बार आजकल मेरे साथ जो होता है, मैं पोइट्री के साथ कई बार धक्का भी करता हूँ, धक्के से लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा गलत है, मेरे को खुद पता है धक्के से जो चीज़ लिखूंगा वो लोगों को धक्का लगेगा, बिल्कुल लगेगी, ये सब बता देंगे तो दिक्कत लिखी हुई है। अच्छा संजीत भाई, आपने अब लिखने पे ही बात चला दी तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, आपने एक चीज़ लिखी थी फलाना दिखड़ा तेरा के खास है, वो मतलब किस चीज़ को देखकर, किसको देखकर के लिखी थी? नहीं 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 नहीं, वो मतलब कई है, जैसे मेरे जैसे सिंगल किसी से कोई टीस्ट? नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसे सिंगल हैं जो, मेरे को तो हालांकि कोई नहीं टोकता, अकबर कई बार होता भी क्या है भाई साहब, कई तो ऊँ मैसेज कौन करा कि इसके तो कई पाऊंगे, तो उसे सिंगल रह जाए बेचारे, उनने फिर टोक कर कि हम तो सिंगल हो। अच्छा। तो सिंगल के एक अलग एटीट्यूड होते हैं, एक अलग लाइफ होती है, अलग पर्सनैलिटी होती है। I can feel it. हाँ, I can अलग 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 पर्सनैलिटी होती है। तो वो सिंगल कहने लग रहा है कि भूमबुल ये वर्गी शक्ल आड़े तेरे के खाया जब, वह है ना भंबुल ये वर्गी शक्ल आड़े, मैं सिंगल हूँ तो मेरी टेंशन हो, फलाना दिखड़ा तेरा के खाज है, यह चीज़ है। वहाँ मैंने जब वो पोइट्री देखी ना तो मैं मतलब हैरान रह गया था कि संदीप भाई ने ये मतलब किससे चिड़के लिखी है, कैसे लिखी है? एक कविता मारते ही प्यार कर ले रहे हैं। हाँ वो बिंदर गिनोदा भाई साहब के साथ है। हाँ वो कविता भी गाँव के उन बच्चों के लिए है जिनको कोई नहीं देखता, वो भी मतलब है ना, गांव वालों का भी थोड़ा बहुत ख्याल करते हो भाई। देखो मेरे को ऑडियंस पसंद क्यों करती है, मेरे को भाई बहनें या जितने भी सुनते हैं उम्र दराज पसंद क्यों करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। अच्छा। ना कि मैं हवा की बातें करता, ना कि जुल्फों की, तारों की, चांद की, महबूब की, रात की, कलियों की, सरसों की, जमीन की बात करते हो? जमीन की बात करता हूँ, माटी की बात करूँ, लोग आपा मैटी मरो वहाँ, बिल्कुल तभी लोग पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल पसंद तो करेंगे भाई साहब, आप इतना अच्छा लिखोगे, इतनी अपने मुद्दे उठाओगे या फिर अपने जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे संदीप की मौत मैंने कविता सुनी थी तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज था आजकल के युवाओं के लिए, कैसे वो मतलब जिसने नहीं सुनी, मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहूँगा, जिसने नहीं सुनी तो एक बार यूट्यूब पर आप सर्च मार के देख लेना संदीप की मौत और भाई संजीत सरोहा, आपको मिल जाएगी वो कविता, बहुत अच्छी कविता थी और युवाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज था उस कविता के अंदर। तो संजीत भाई अब इंटरव्यू तो हम नहीं कहेंगे, ये तो एक हमारी बातचीत थी, इंटरव्यू तो वो टीवी वाले लेते हैं, नहीं नहीं भाई ये तो हमारी एक देसी मुलाकात से कह सकते हैं उसको। तो आप लास्ट में अब मैं थोड़ा सा, जैसे टीवी वाले दिखाते हैं ना रंगीन पेज, सॉरी अखबार वाले दिखाते हैं ना लास्ट में एक कलर पेज आता है, तो मैं उस कलर पेज के ऊपर चलता हूँ। अब आपने कविताओं को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर प्रमोट कर दिया है और अब आपने हरियाणा की जो फिल्म इंडस्ट्री लगा लो, हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री लगा लो, जो भी आप कहते हो, उसके अंदर आपने एंट्री मार दी है, तो हरियाणा का जैसे एक बॉलीवुड है एक हॉलीवुड है, तो आपके अकॉर्डिंग हरियाणा का क्या होना चाहिए, कौन सा वुड होना चाहिए? हॉलीवुड है, हॉलीवुड है, हॉलीवुड है, हाँ है, है। अच्छा चलो ये सॉरी इसके लिए मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि, लेकिन हाँ लोगों को नहीं पता उस चीज़ का भाई, हरियाणा वुड रहा है मारा ही वुड रहा है, सीधी सी बात है, लेकिन हो ऐसा भाई साहब कोई भी देखे काम करा, मैं रणदीप हुड्डा को बहुत लाइक करता हूँ इस चीज़ के लिए, उस बंदे का स्टेटस आज भी हरियाणा में मिलेंगे भाई, बिल्कुल उसकी जितनी मूवी आती है ना ऑलमोस्ट वो हरियाणवी फिल्म एक्टिंग है, मैं उस टाइम नाम भूल गया, जो एक्टिंग है बंदा, सरबजीत मूवी देख लो भाई, मैंने देखी है पर्सनली, मतलब सुपर, आप किसी भी रोल में उसको ढाल लो, आप किसी भी रोल में, तो वही चीज़ है बहुत मतलब यूनिक है। तो हरियाणा ये है भाई साहब, कोई भी हरियाणा को देखा तो अकेला एग्रीकल्चर हरियाणा ना, अब कल्चर जो संस्कृति वो हमारी बढ़ने लग रही है धीरे धीरे और अच्छी चीज़ें आने लग रही हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करो, अगर आप अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करोगे बुरी कोई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि एक आर्टिस्ट, सीधी सी बात है, एक आर्टिस्ट की रोजी रोटी होती है उसकी कला, बिल्कुल। अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ साल बाद मेरे को सोचना पड़ेगा कि पोइट्री से मेरी इनकम क्या है, मैं देखो खुल के बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें हालांकि बताने की नहीं होती कैमरे के ऊपर, तो मेरे जैसे कई नौजवान होंगे जिनके दिल के अंदर ये फीलिंग होती है, सॉन्ग लिखते हैं, अब मैंने भगत सिंह का सॉन्ग लिखा, मेरा कोई कंपनी खरीदेगी नहीं, मेरे को पता है शायद कोई खरीद भी ले कंपनी, तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी चीज़ों को लाइक करती है, कंपनी तो उसको खरीदेगी भाई,
ऑडियंस लाइक करेगी डूम के यार ये वो फलाना दिखड़ा वो श्रृंगार रस वाले प्यार वाले, या ऑडियंस लाइक करेगी भाई साहब जो ऐसे ऐसे टाइटल में यहाँ नहीं बोल सकता, तो कंपनी उनको खरीदेगी। ऑडियंस लाइक करेगी भगत सिंह वाली चीजों को, ऑडियंस लाइक करेगी कल्चर वाली चीजों को, तो हम कल्चर वाला चीज लिखेंगे, सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये है कि आप तो ऑडियंस को फॉलो करते हैं, जैसा आपके दोस्तों को आपके भाई बहनों को चाहिए आप उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। हाँ, मेरा ये रहेगा हमेशा, मैं ऐसी चीज बनाऊंगा, मेरा ये वादा भी लगा लो या प्रोमिस आपके साथ, या मेरी कोशिश रहेगी इसी चीज क्रिएट करांगे जिसने मेरा बाबू बैठ के देख ले, या पांच बंदे ने कैस का कैमरा छोड़ गया चीज आई है, बस इस आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मन नहीं मेरा, हमारा कंटेंट अच्छा है कि गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि परिवार गले बैठ के देख सको बात करके। तो संजीत भाई, आपसे ये मुलाकात रही, और आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई मैसेज ये है, सबसे पहली बात भाई, जितने भी मेरे हम उम्र सुन रहे हैं, जोर लगा के पढ़ो भाई, क्योंकि देश है तो हम है, सीधी सी बात है, संस्कृति है तो हमारी है, संस्कृति मतलब संस्कार, संस्कार ना भूलो, हम संस्कृति को पकड़े बैठे रहें कि हमारी ये चीज़ें पुरानी हैं, ये चीज़ें पुरानी, पुरानी चीज़ें हमेशा चेंज रहेंगी, संस्कृति का मतलब संस्कार है। तो आप सभी अपने संस्कार को पकड़ के रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें भाई साहब, और पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, आपने जिस भी फील्ड में जाना है एक मतलब टारगेट सेट करके आप उसके लिए मेहनत करें। और जितने उम्रदराज इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी दिल की सुने, पुराना टाइम बीत चुका है, उनसे पूछें कि आपने क्या बनना है, पुरानी चीज़ें उनके ऊपर ना थोपें, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू सो मच, और रूरल द रूरल फाइट चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाँ चलो, थैंक यू संजीत भाई। सो थैंक यू आप सभी का भी इतनी देर हमें झेलने के लिए, इतनी देर हर कोई झेल नहीं पाता है। और ये थे हमारे साथ संजीत सरोहा, जिनका नाम बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे ही जानते होंगे इनको। सो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने रूरल लेवल पे बहुत ही अच्छा काम किया होगा और बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, और ऐसे ही किसी ना किसी छुपी हुई पर्सनैलिटी से आपको मिलाते हैं। चलिए तब तक देखते रहिए द रूरल फाइट। थैंक यू।